हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में अपनी बाइक की जो बैक लाइट है उसमें एलईडी इंस्टॉल करेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का एलईडी है। इसमें आपकी जो हेडलाइट है वो तो एकदम स्टेबल चलती है, और जैसे आप ब्रेक मारते हो तो आपकी स्ट्रोब लाइट चलती है, मतलब आपकी लाइट जो है वो ऐसे जलती बुझती है। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक में। तो इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एलईडी है जो आपकी मेन हेडलाइट चलती है स्प्लेंडर की, वो चलती है इंजन पर। तो इसके लिए हमें इसका जो कनेक्शन है वो बैटरी पे करना होगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हेडलाइट को जो कनेक्शन है उसका सेम रहने दीजिए, और जो ये जो पीछे वाली बैक लाइट है उसका जो कनेक्शन है उसको डायरेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका कनेक्शन है उसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कपलर आपको मिलेगा जिसमें तीन वायर हैं। आप देख सकते हैं इसमें सबसे जो बीच वाली वायर है जो कि ब्राउन कलर की है, इसकी आपको पिन को निकालना है। तो इस टाइप से आपको जो छोटा सा वाला स्क्रू ड्राइवर है इसका जो लॉक है इसको प्रेस करके ये इजीली यहाँ से ये वायर जो है ये बाहर निकल जाएगी। तो इसको पहले बाहर निकालना है आपको, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक एक्स्ट्रा वायर लेके इसका जो कनेक्शन है वो बैटरी पे करना है। तो बैटरी पे डायरेक्ट नहीं आपको करना कि मतलब ऐसे ही चलती रहे, इसका आपको इग्निशन के साथ जो है वो कनेक्शन करना है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई, इसका कनेक्शन करने के लिए या तो जो हैंडल का जो ऑन ऑफ करने वाला लॉक होता है वहाँ पर आपको क्या करना है, उसमें जितनी भी वायर होगी उस लॉक में उसको आपको जो है वन बाय वन एक बल्ब की मदद से टेस्ट करना है कि किस वायर में आपका जो है चाबी को ऑन करने पे जो है करंट आता है। तो वो वहाँ पर आप जो है चेक करके उस वायर में लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूज़ बॉक्स जहाँ पर रहता है स्प्लेंडर का। तो क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कुछ वायर दिखाई दे रही होंगी इसमें, इसके नीचे में, तो जो रेड वायर है उस पर आपको नहीं लगाना, जो ब्लैक वायर है इसमें दिख रही है उसमें आपको लगाना है। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फ्यूज़ को निकालना है और इस वायर को यहाँ पर लगा के इस फ्यूज़ को जो है वापस से जो है बंद कर देना है। तो इससे भी वही काम हो जाएगा कि जब चाबी ऑन होगी तो आपकी जो बैक लाइट है वो डायरेक्ट चलेगी। और यहाँ पर आपका सवाल होगा कि ये पावर कंज्यूम करेगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो एलईडी होता है वो बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। ये जो आपकी न्यूट्रल लाइट चलती है उससे भी कम पावर जो है कंज्यूम करेगा। तो ये पावर जो कंज्यूम करने की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर रहेगी। तो चलिए गाइस, अभी मैं इसका जो फ्यूज़ बॉक्स है उसको मैं वापस से बंद करके बैटरी के साइड में लगा देता हूँ, और इसके बाद हम जो है इसका एलईडी को चेंज करेंगे, बल्ब को चेंज करेंगे, एलईडी से रिप्लेस करेंगे इसको। तो गाइस, यहाँ पर बल्ब को रिप्लेस करना काफ़ी सिंपल है। आपको जस्ट इसका जो बैक लाइट का ढक्कन है उसको खोलना है, दो स्क्रू लगे रहते हैं यहाँ पर, इसको आप इजीली खोल के, और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये दो कलर में अभी मेरे पास है, एक ब्लू है एक रेड है, और आई थिंक कि ग्रीन भी आता होगा, लेकिन अभी मेरे पास यही दो अवेलेबल है। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं ब्लू वाला बल्ब लगाता हूँ, और यहाँ पर आपको सिंपल ऐसे बल्ब को निकालना है और ये ऐसे ही लग जाएगा ये आराम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लाइट जो है ये डायरेक्ट चलेगी अभी। तो आप देख सकते हैं ये जो एक जो जैसे मेन आपकी हेडलाइट चलती है उसके साथ जो वाला कनेक्शन है वो हमने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि ये एलईडी है, और जब आप इसके ब्रेक मारते हो तो ये इसका स्ट्रोब लाइट चलता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका अभी स्ट्रोब चल रहा है। तो फिर इस टाइप से ये चलता है। अभी मेरे पास जो इसका वाइट ग्लास है वो मैं नहीं लगाने वाला हूँ, मैं रेड ही लगाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसका जो रेड वाला बल्ब है उसको ही लगाऊंगा इसमें। तो चलिए अब मैं रेड वाले को आपको दिखाता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर जो कैमरा की वजह से इसकी लाइट थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन इसकी लाइट काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं इसका रेड वाला बल्ब लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो क्योंकि आप देख सकते हैं ये अभी चल रहा है, अभी जैसे मैं इसकी ब्रेक मारता हूँ तो इसकी स्ट्रोब चलती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसकी जो लाइट है उसको बंद करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चलता है। तो कैसे आप देखते हैं इसकी लाइट जो है काफ़ी है, मतलब अभी जो बीच में मैंने फोन से स्टॉप लिखा हुआ है तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये अभी, जैसे स्टॉप वाले बल्ब से इसकी लाइट है वैसे सेम आती है ऐसी लाइट, और इसका स्टॉप आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा चलता है। तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। और कैसे अभी बात करता हूँ मैं इसके प्राइस की, तो प्राइस आपको इसका जो लोकल मार्केट में आपको ये 60-70 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करोगे तो ये आपको जो है काफ़ी महंगा पड़ेगा, 200 से भी ऊपर आपको ये पड़ेगा। तो अगर आपको ऑनलाइन परचेज़ करना है तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो है इसको लोकल मार्केट से ही परचेज़ करें ताकि आपका पैसा जो है बच सके। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।